नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, बी इक्वल्स टू 7 9 11 13, सी इक्वल्स टू 11 13 15 एंड डी इक्वल्स टू 15 17 फाइंड। हमें ये चार सेट दिए हुए हैं ए बी सी और डी और हमें पता करना है, और जो हमें पता करना है उनके नीचे दिए गए पार्ट्स के अंदर पूछा गया है हमें क्वेश्चन, और ये हमें ये सेट दिए हुए और ये इनके एलिमेंट हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही काउंट करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब ए सेट और बी सेट में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए सेट के अंदर एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और बी सेट के अंदर है 7 9 11 13। तो जब दोनों के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट है, दोनों के अंदर कॉमन है 7 9 11, इधर भी 7 9 11 है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 7 9 11। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसका आंसर देखते हैं। B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, अब इन दोनों सेट के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएंगे B इंटरसेक्शन C में। तो B और C सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं 11 13 15 7 9 11 13, इधर 11 और 13 दोनों कॉमन एलिमेंट फॉर्म करें, इधर भी 11 13 है, इधर भी 11 13 है, इसलिए जो कॉमन एलिमेंट बनेंगे B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 11 13। तो ये बन गया B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 11 13। अब इसका पार्ट थर्ड देखते हैं, इसके थर्ड पार्ट के अंदर हमें तीन सेट का इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो तीन सेट है इनके अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट है तीनों सेट के अंदर वो सारे बन जाएंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 और 11 और सी सेट के अंदर है 11 13 15 और डी सेट के अंदर है 15 17। सी और डी के अंदर कॉमन एलिमेंट 15 है, लेकिन 15 ए के अंदर है नहीं, इसलिए इनमें कोई भी कॉमन सेट नहीं बन रहा है, इसलिए हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं जो कॉमन है। अब इसका पार्ट फोर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, अब सेट ए और सेट सी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बन जाएंगे ए इंटरसेक्शन सी, इधर है 3 5 7 9 11 और सी के अंदर है 11 13 15। तो दोनों के अंदर सिर्फ 11 ही कॉमन है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 11। अब इसका पार्ट फिफ्थ देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। अब सेट बी और डी के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बन जाएंगे बी इंटरसेक्शन डी। तो बी के अंदर है 7 9 11 और 13 और डी के अंदर है 15 और 17। तो दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है बी और डी सेट के अंदर जो कॉमन हो, इसीलिए हम लिखेंगे आंसर के अंदर बी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेट के अंदर कॉमन हो। अब इसका पार्ट सिक्स देखते हैं, इसके सिक्स पार्ट के अंदर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सेट ए दिया हुआ है, इसलिए हम सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 एंड 11। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज है, इसलिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज कर रहे हैं। उसके बाद बी सेट है, इसलिए बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बी सेट के एलिमेंट्स हैं 7 9 11 एंड 13। उसके बाद यहाँ पे यूनियन का सिंबल है, इसलिए हम यहाँ पे यूनियन का सिंबल लगाएंगे और सी सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पे नोट करेंगे। सी सेट के एलिमेंट्स हैं 11 13 एंड 15, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 11 13 एंड 15। फिर यहाँ पे हम एलिमेंट्स ए सेट के तो यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले हम बी और सी का यूनियन बनाएंगे आगे, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल है। फिर यहाँ पे ये जो दो ग्रुप फॉर्म हुआ एक, उसके अंदर हमें उनका यूनियन बनाना है। जब हम उनका यूनियन बनाएंगे तब सारे एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों ग्रुप को हम कंबाइंड करके एक एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा लेकिन सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे आएगा 7 9
इलेवन थर्टीन, फिर यहाँ पे है इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, हमने इलेवन थर्टीन पहले लिख दिया इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे और सिर्फ फिफ्टीन ही लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज है इसीलिए हम इन दोनों सेट के जो ग्रुप बना है उसके अंदर से वही एलिमेंट्स नोट करेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए इसका आंसर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, अब इन दोनों के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर। तो इधर कॉमन कौन से हैं, इधर है थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन, इधर है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन और फिफ्टीन, तो कॉमन सिर्फ यही एलिमेंट्स तीन है, यही तीन एलिमेंट्स कॉमन है सेवन नाइन और इलेवन, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सेवन नाइन एंड इलेवन। अब इसका पार्ट सेवन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी, यहाँ पे सबसे पहले हमें सेट ए दिया हुआ है इसलिए हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं थ्री फाइव सेवन नाइन एंड इलेवन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज है इसलिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे, और इधर फिर डी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, डी के एलिमेंट्स है फिफ्टीन एंड सेवनटीन, इधर लिखेंगे हम फिफ्टीन और सेवनटीन, इधर इंटरसेक्शन का सिंबल यूज है इसलिए हमें ए और डी का सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, इधर है थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन, और इधर है फिफ्टीन और सेवनटीन, हमने जब देखा यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नल सेट यानी एम्प्टी सेट का सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो, इंटरसेक्शन फॉर्म कर रहा हो। अब इसका पार्ट एट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले सेट ए दिया हुआ है इसलिए सेट ए के एलिमेंट्स नोट कर लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स है थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज है इसलिए हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बी दिया हुआ है बी सेट इसलिए बी सेट के एलिमेंट लिखते हैं, बी सेट के एलिमेंट्स है सेवन नाइन इलेवन और थर्टीन, उसके बाद यहाँ पे यूनियन का सिंबल यूज है इसलिए हम यूनियन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद डी सेट के सारे एलिमेंट्स को नोट करेंगे, डी सेट के एलिमेंट्स है 15 एंड 17 इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 15 और 17, उसके बाद हम यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को खोलेंगे यहाँ पे इनका यूनियन फॉर्म करेंगे इसलिए यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का यूनियन फॉर्म होगा तो यूनियन फॉर्म होगा तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 7 9 11 13 15 और 17, अब ये दो जो सेट फॉर्म हुए हैं ये जो ग्रुप है एलिमेंट्स का, अब इसका इंटरसेक्शन बनाना है मतलब सारे कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल्स टू, अब इन दोनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं इधर है थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन, इधर है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन और सेवनटीन, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है सेवन नाइन इलेवन, इधर भी है सेवन नाइन इलेवन, इसलिए हम लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल्स टू सेवन नाइन एंड इलेवन। अब इसका पार्ट नाइन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले तो हम वो सारे एलिमेंट लिख लेते हैं जो ए सेट के अंदर प्रेजेंट है, ए सेट के अंदर प्रेजेंट है थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज है इसलिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बी सेट है इसलिए बी सेट के एलिमेंट लिखते हैं, बी सेट के एलिमेंट्स हैं सेवन नाइन इलेवन और थर्टीन, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज है इसलिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से बी सेट है, बी सेट है हमारा सेवन नाइन इलेवन और थर्टीन, उसके बाद यहाँ पे यूनियन लगाया हुआ है इसलिए यूनियन का सिंबल यूज करेंगे, उसके बाद हम सेट सी लिखेंगे, सेट सी है इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, अब हमें क्या करना है ये जो दो सेट थे ए और बी इनका इंटरसेक्शन लिखना है मतलब वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, इधर है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन और इधर है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, तो कॉमन हुआ सेवन नाइन एंड इलेवन, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल इसलिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज किया, फिर इन दोनों का यूनियन फॉर्म करना है, इन दोनों के यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे तो सबसे पहले हम बी का सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, वो है सेवन नाइन इलेवन और थर्टीन, सेवन नाइन इलेवन एंड थर्टीन, उसके बाद यहाँ पे इलेवन थर्टीन हमने पहले ही लिख दिया इसलिए यहाँ पे सिर्फ फिफ्टीन लिखेंगे, फिर ये जो दो सेट का ग्रुप बना है ये जो दो एलिमेंट्स का ग्रुप बना है इसके हम इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे,
इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, हम इन दोनों के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो इधर तो सिर्फ 7, 9, 11 है और इधर भी है 7, 9, 11, इसलिए कॉमन एलिमेंट्स हो गए 7, 9 एंड 11। अब इसका पार्ट 10 देखते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे सबसे पहले हमें सेट ए दिया हुआ है इसलिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। उसके बाद यहाँ पे यूनियन का सिंबल इसलिए यूनियन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद सेट डी के एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट डी के एलिमेंट्स है 15 एंड 17। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल इसलिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बी सेट है, बी सेट लिखेंगे, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद यहाँ पे यूनियन का सिंबल है इसलिए यूनियन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद सेट सी लिखेंगे, सेट सी है 11, 13 एंड 15। फिर यहाँ पे हमें ये जो दो सेट थे इनका यूनियन फॉर्म करना है, इनका यूनियन क्या बनेगा 3, 5, 7, 9 और 11। फिर यहाँ पे 15 और 17, अभी तक इनमें से हमने कोई एलिमेंट लिखा नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 15 एंड 17। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल था। फिर यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इन दोनों का यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं यूनियन 7, 9, 11 एंड 13। फिर यहाँ पे 11, 13 पहले से दिया हुआ है इसलिए हम सिर्फ 15 लिखेंगे। अब ये दो जो सेट फॉर्म हुए हैं हमें इनका इंटरसेक्शन बनाना है, मतलब वो सारे सेट बनाने हैं जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इधर है 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 और इधर है 7, 9, 11, 13 और 15। तो कॉमन इधर है 7, 9, 11 और 15, इधर 13 है लेकिन इधर 13 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 7, 9, 11 एंड 15।